नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। जिनको सोलर इज चाइनीज कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स सोलर पैनल, इसका टाइगर न्यू सीरीज का 630 वॉट का सोलर पैनल है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी और किन किन कंडीशन में हम इनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पावर की। इसकी पावर रेटिंग है 630 वॉट। एंड व्हाट डज इट मीन, 630 वॉट ये हमें प्रोड्यूस करके देगा व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। वो कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन है कि सनलाइट इंटेंसिटी हैज टू बी 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि सूरज की जो रोशनी है 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1000 वॉट जब पड़ेगी तब जाके ये 630 वॉट हमें प्रोड्यूस करके देगा। एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट द सेल टेम्परेचर हैज टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर सेल के बने होते हैं, ये भी इनका भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है। अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर इस सेल का, सोलर सेल का, अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तब ये हमें 630 वॉट प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है, क्या हमेशा सनलाइट इंटेंसिटी 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर रहेगी सुबह से लेकर शाम तक? बिकॉज जो रिलेटिव पोजिशन है अर्थ की और सन की वो तो हमेशा चेंज होती रहती है सनराइज से सनसेट तक। तो ना तो हमें 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर की सनलाइट इंटेंसिटी देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक और ना ही सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर, उस एनओसीटी रेटिंग को देखना पड़ेगा। एनओसीटी रेटिंग हमें रियल लाइफ कंडीशन में एक सोलर पैनल कितनी पावर आउटपुट देता है वो बताती है। तो एक रियलिस्टिक पैरामीटर इज एनओसीटी। तो किसी भी सोलर पैनल को अगर आप पावर रेटिंग देखते हैं, पी मैक्स तो देखेंगे लेकिन साथ में एनओसीटी क्या है, रियल लाइफ कंडीशन में वो कितनी पावर हमें बना के देगा वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो अंडर प्रैक्टिकल सिचुएशन, रियल लाइफ कंडीशन में ये 630 वॉट का सोलर पैनल जिनको का, इट विल प्रोड्यूस 474 वॉट्स जो कि लगभग 75% है 630 का। तो रियल लाइफ कंडीशन में हमें 474 वॉट्स देखने को मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि जिनको के साथ, ये जितने भी सारे सोलर पैनल्स हैं अपने स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस के मुकाबले रियल लाइफ में वो कम ही वॉटेज प्रोड्यूस करके देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। ये 630 वॉट का जिनको का टाइगर न्यू सीरीज का जो सोलर पैनल है, इट हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 22.54%। अब ये 22.54% का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर सनलाइट इंटेंसिटी 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में सनलाइट इंटेंसिटी 1000 वॉट है, तब ये उसका 22.54% यानी कि लगभग 225 वॉट्स प्रोड्यूस करके देगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके देगा। अब इसका एरिया है 2.7 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ लगभग 2.7 मीटर स्क्वायर है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर की सनलाइट इंटेंसिटी होती है तो ये हमें 630 वॉट्स प्रोड्यूस करके देता है। तो इस तरीके से इसकी एफिशिएंसी डिफाइंड होती है। अब ये एफिशिएंसी को कुछ दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लिया मेरे पास दो सोलर पैनल है, एक जिनको का है 630 वॉट का जिसकी एफिशिएंसी 22.54% है, दूसरा सोलर पैनल है किसी और कंपनी का, एक्स वाई जेड कंपनी मान लेते हैं, उसकी पावर रेटिंग भी पी मैक्स 630 वॉट है लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है वो 20% उसको मान लेते हैं। तो दोनों 630 वॉट्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, देन वेयर इज द डिफरेंस है उनके एरिया में। जो एफिशिएंसी जो है वो एक तरह से बताती है कि एरिया किसका ज़्यादा या कम होगा। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया सोलर पैनल का कम होगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम है उसका कंपैरेटिवली क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा कम का मतलब ये हुआ कि अगर सिलिकॉन सेल्स, जो सोलर पैनल में सिलिकॉन सेल्स लगा रहे हैं, वो अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, तो कम सिलिकॉन सेल्स ही आपको उतनी पावर आउटपुट बना के दे देंगे। जबकि ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका मतलब आपको ज़्यादा सिलिकॉन सेल्स लगाने पड़ रहे हैं, यानी कि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है पहले के मुकाबले, इसलिए हमें ज़्यादा सिलिकॉन सेल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। ज़्यादा सिलिकॉन सेल्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका एरिया ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो एफिशिएंसी ज़्यादा का मतलब ये होता है कि कम एरिया में आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रही है, यानी कि जो सिलिकॉन सेल्स की क्वालिटी है वो अच्छी है। जिनको की एफिशिएंसी 22.54% है, तो एक तरीके से ये टॉप एफिशिएंट सोलर पैनल्स में आ सकता है। जो मोस्ट एफिशिएंट सोलर पैनल्स हैं वो 23% के आसपास हैं। तो इसकी जो वैल्यू है 22.54 वो 23% के आसपास है, तो हम इसको टॉप मोस्ट एफिशिएंट सोलर पैनल्स में काउंट कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास स्पेस की कमी है, ऑब्वियसली हम सब लोग हैं, हम सबको स्पेस की कमी है, तो उन लोगों के लिए, दोस्त हु हैव लिमिटेड स्पेस,
और दोज हु वांट एफिशिएंट सोलर पावर सॉल्यूशन इन लिमिटेड स्पेस, तो जिनको 630 वॉट सोलर पैनल एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अब आगे बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की, क्या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की अपनी इस सोलर पैनल में इनकैप्सुलेट इंटीग्रेट की है कि इसकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो ये 630 वॉट का सोलर पैनल है, इट इज़ LID रेजिस्टेंट। वन, व्हाट इज LID? LID का मतलब है लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। देखिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन होता क्या है। कोई भी सोलर पैनल अगर आप उसको लेते हो, फर्स्ट टाइम एक्सपोज करते हो सनलाइट पर, तो वो सोलर पैनल विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स अपना पी मैक्स का कुछ परसेंटेज 3-4% वो लूज कर देता है। और ये होता क्यों है, इसके जो रीज़न है जानने के लिए हमें इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा। जब सिलिकॉन वेफर्स बनते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग में सिलिकॉन के साथ, और ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। जो भी सिलिकॉन है, अगर पी टाइप सिलिकॉन है, पी टाइप सिलिकॉन में बोरोन एज ए डोपेंट यूज होता है। बोरोन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक तरह से एक्टिवेट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, यानी कि जो करंट बनाने की क्षमता है सोलर पैनल की, उसको कम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो सोलर पैनल है हमें कम करंट बना के देते हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंस है या पी मैक्स है वो रिड्यूस हो जाती है विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑन देयर एक्सपोजर टू द सनलाइट। अभी मैंने बात की डोपेंट ऐसे बोरोन जब हम यूज़ करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन जिनको ने पी टाइप सेमीकंडक्टर की जगह एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज़ किया, जिसमें डोपेंट फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है, और फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनता इतना, और जो लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन है वो काफ़ी कम होती है। लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलेगी, लेकिन एन टाइप सोलर पैनल्स में जब एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, उनमें जो लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन है वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलती है। तो इस केस में जो लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन है वो 1% है, जिनको 630 वॉट एन टाइप टाइगर नियो सीरीज में लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन इज 1% अपॉन द एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स। तो इस तरीके से इसने एन टाइप टेक्नोलॉजी यूज करके LID इफेक्ट को काफ़ी हद तक मिनिमाइज किया है। दूसरी बात करते हैं PID रेजिस्टेंस, एंड व्हाट इज PID? इट इज पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। देखिए इसको भी समझते हैं होता क्या है, जब सोलर पैनल्स को हम सीरीज में लगा देते हैं, एक के बाद ऐसे सीरीज में लगा देते हैं, तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाता है। अब केसेस में क्या होता है, इन केसेस में ये होता है कि सोलर सेल्स के जो पोटेंशियल है और जो फ्रेम है सोलर पैनल का या जो ग्लास है सोलर पैनल का, उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, सोलर सेल और ग्राउंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि जो करंट है, सोलर सेल्स करंट बना रहे हैं, करंट जाता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की तरफ जाता है, उन्हें रन करता है, लेकिन कुछ करंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है फ्रेम और सोलर सेल के बीच में, तो कुछ करंट जिसको हम स्ट्रे करंट बोलते हैं, कुछ करंट सोलर सेल से बहता हुआ फ्रेम की तरफ चला जाता है, फ्रेम से होता हुआ ग्राउंड हो जाता है। यानी कि जो सारे का सारा करंट सोलर सेल से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की तरफ जाना चाहिए था, उसमें से कुछ करंट जिसको हम स्ट्रे करंट बोलते हैं, वो निकल के फ्रेम से होता हुआ ग्राउंड की तरफ चला जाता है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। लेकिन जिनको का ये टाइगर न्यू सीरीज का सोलर पैनल 630 वॉट का, ये पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन से रेजिस्टेंट है, काफ़ी हद तक ये PID इफेक्ट को रोक देता है, ख़त्म कर देता है, जिससे जो लॉस होने वाला होता है PID लॉस, उसको ये ख़त्म कर देता है, क्योंकि PID लॉस ओवर द ईयर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और 30% तक पी मैक्स का वो खा जाता है, लेकिन इसके सोलर पैनल्स PID रेजिस्टेंट हैं। अब बात करते हैं इसकी SMBB टेक्नोलॉजी की। SMBB एक तरह के मल्टी बस बार्स होते हैं। देखिए जो सिलिकॉन सेल्स है, सोलर पैनल्स सिलिकॉन सेल्स के बने होते हैं, सिलिकॉन सेल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है थ्रू स्ट्रिप्स वायर्स, उनको हम मल्टी बस बार्स बोलते हैं, जो कि एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स होती हैं या कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, एक सिलिकॉन सेल को दूसरे सिलिकॉन सेल से जोड़ने के काम आती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं ताकि जो करंट फ्लो होता है एक सिलिकॉन सेल से दूसरे सिलिकॉन सेल तक और फाइनली हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की तरफ जाता है, तो वो करंट पाथ को ये रिड्यूस कर देते हैं, इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। अब करंट पाथ जब रिड्यूस हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो लॉसेज होते हैं, हीट लॉसेज, वो भी कम हो जाते हैं। तो SMBB टेक्नोलॉजी से इन्होंने इस तरीके से कनेक्शन किया सोलर सेल्स का कि जो हीट लॉसेज हैं, करंट पाथ को रिड्यूस कर दिया,
एंड हीट लॉसेज मिनिमाइज हो गए, जिसकी वजह से जो ओवरऑल करंट है जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की तरफ जा रहा है वो बढ़ गया, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, हमारी पावर आउटपुट बढ़ गई। और चौथी मैं बात करता हूँ इसकी हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी की। एक सिलिकॉन का वेफर है पूरा मैंने ले लिया, उसको दो बराबर हिस्सों में काट दिया, फिर उसके बाद मैंने उसको जोड़ दिया। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो शेडिंग इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है जिसकी वजह से पावर आउटपुट बनी रहती है, दूसरा हीट रिलेटेड लॉसेस भी कम हो जाते हैं और करंट बना रहता है, और तीसरा इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो सिलिकॉन सेल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहती है, इंप्रूव हो जाती है। तो हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी के ये बेनिफिट्स हैं। तो इन सब का एमलगेमेशन इसने किया जिनको ने, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हुई 22.54%, और कम स्पेस में भी इसने 630 वॉट का सोलर पैनल हमें ऑफर किया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर समझते हैं। देखिए कोई भी सोलर पैनल है जब टेम्परेचर वेरी होता है, उसका सेल का टेम्परेचर वेरी होता है, उसकी आउटपुट में भी फर्क पड़ता है। जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन है उसमें ये बोला जाता है कि जो सेल टेम्परेचर हैज़ टू बी 25 डिग्री सेल्सियस, तब हमें ये पी मैक्स यानी कि 630 वॉट्स प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन टेम्परेचर वेरी होता रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो पावर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने से जो सोलर पैनल की आउटपुट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। और ये पावर आउटपुट कितनी रिड्यूस होगी वो हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर बताता है। जो जिनको सोलर का ये जो सोलर पैनल है 630 वॉट का, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर है -0.29% पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे जैसे एक एक डिग्री बढ़ेगा तो पी मैक्स का ये 0.29% ये इसका पावर लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जो सोलर सेल है वो 45 डिग्री पे परफॉर्म कर रहा है, उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री से ये 20 डिग्री ऊपर परफॉर्म कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 45 माइनस 25, 20 डिग्री का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम जो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पावर लॉस मिल जाएगा। अगर इस डिफरेंस को 20 डिग्री सेल्सियस को इसके टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5.8% जो है पावर लॉस देखने को मिलता है। अगर हम 5.8% निकालें 630 का तो इट इज़ अराउंड 36 वॉट्स। तो अगर ये 630 वॉट का सोलर पैनल जिनको टाइगर न्यू सीरीज का सोलर पैनल ये 45 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म कर रहा है तब ये आपको 630 वॉट नहीं देगा, 630 माइनस 36 वॉट्स तो अराउंड 594 वॉट्स ये आपको प्रोड्यूस करके देगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पावर लॉस बढ़ती जाएगी। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर कम होना बहुत जरूरी है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर इज -0.29% पर डिग्री सेल्सियस जो कि काफ़ी अच्छा है बाकी सोलर पैनल्स के मुकाबले। तो ये जो सोलर पैनल है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर काफ़ी कम है, ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट में रहते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, गर्मियों में जो टेम्परेचर है एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी चला जाता है। जब एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो जो सेल टेम्परेचर है वो तो उससे भी ऊपर, सोलर सेल का टेम्परेचर उससे भी ऊपर चला जाता है 20-30 डिग्री सेल्सियस। सो इट्स लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर इज सूटेबल फॉर दोज हु आर लिविंग इन हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की कि ये कितने ताकतवर हैं। देखिए जो सोलर पैनल्स आप लगाएंगे वो तो हमेशा के लिए आपके घर के बाहर या छत के ऊपर ही इंस्टॉल्ड रहेंगे, तो इनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन चाहे बरसात हो सर्दी गर्मी इनको विदस्टैंड करना पड़ेगा। सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन, गर्मियों में एक्सपेंशन, क्रैक ना आ जाए, चीज़ें टूट ना जाए, तो उसके लिए इनकी स्ट्रेंथ डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी सोलर पैनल की स्ट्रेंथ इज डिफाइंड बाय टू वेज, इसकी विंड लोड रेटिंग क्या है और इसकी स्नो लोड रेटिंग क्या है। तो अगर हम विंड लोड रेटिंग की बात करें कि कितना प्रेशर ये विदस्टैंड कर सकता है विंड का, तो इसकी विंड लोड रेटिंग है 2400 पास्कल यूनिट है प्रेशर का, और इसकी स्नो लोड रेटिंग है 5400 पास्कल्स। तो जो लोग ऐसी जगहों में रहते हैं, ठंडी जगहों में रहते हैं जहाँ पे स्नोफॉल इज ए नॉर्मल फिनोमिना, तो उनके लिए ये जिनको का 630 वॉट एन टाइप टाइगर न्यू सीरीज सोलर पैनल वुड बी वेरी गुड, क्योंकि इसकी जो स्नो लोड रेटिंग है काफ़ी अच्छी है, स्नो के जो प्रेशर को वेट को ये काफ़ी अच्छे से विदस्टैंड कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी वारंटी की बात करते हैं। सोलर पैनल की जो वारंटी है इट इज़ डिफाइंड बाय टू डिफरेंट वेज, पहली बात होती है परफॉर्मेंस वारंटी की और दूसरी है प्रोडक्ट वारंटी की। परफॉर्मेंस वारंटी में मैन्युफैक्चरर बोलता है बायर को कि
आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 25 या 30 ईयर्स के बाद भी जो आपका सोलर पैनल है वो पी मैक्स का कुछ परसेंटेज जरूर बना के देगा। तो इस केस में जिनको के केस में इसकी परफॉर्मेंस वारंटी 30 ईयर्स है, और ये बोलता है कि पहले साल में आपका सोलर पैनल पी मैक्स का 1% रिड्यूस कर देगा और उसके बाद ये 0.4% रिड्यूस करता चला जाएगा। यानी कि अगर आज आपको 630 वॉट्स मिल रही है पावर पी मैक्स, तो आफ्टर 30 ईयर्स इट वुड बी अराउंड 88%। अगर उस तरीके से हम डिग्रेड करते हुए चले जाएँ, पहले साल 1%, फिर इसके हर साल 0.4% डिग्रेड करते चले जाएँ, तो 38 ईयर में हमें अराउंड 88% ऑफ पी मैक्स देखने को मिलेगा। तो इसकी परफॉर्मेंस वारंटी काफ़ी अच्छी है, डिग्रेडेशन काफ़ी कम है बिकॉज इट इज़ यूजिंग एन टाइप सेमी कंडक्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग टाइगर न्यू सीरीज सोलर पैनल। दूसरी बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट वारंटी की। प्रोडक्ट वारंटी में ये कि मैन्युफैक्चर कहता है कि अगर आपके सोलर पैनल में कुछ खराबी आ जाती है, खराबी आई मीन टू से प्री मेच्योर वियर एंड टियर, या डायोड डैमेज हो गया, सेल क्रैक हो गया, या उसके कनेक्टिंग वायर्स टूट गए, और कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, तो जो मैन्युफैक्चर है उसको रिप्लेस करके देगा या रिपेयर करके देगा। तो जिनको अपने इस प्रोडक्ट में 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी ऑफर करता है, अगर इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ खराबी आती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो जिनको की लाइबिलिटी है कि इट विल रिपेयर और रिप्लेस द प्रोडक्ट। इसकी परफॉर्मेंस वारंटी और प्रोडक्ट वारंटी दोनों अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे हैं। और साथ में जिनको का ये सोलर पैनल अमोनिया रेजिस्टेंट है और सॉल्ट एंड मिस्ट रेजिस्टेंट है। अमोनिया रेजिस्टेंट से हम क्या समझते हैं, देखिए कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे लोग लाइफ स्टॉक रखते हैं, एनिमल्स पालते हैं, और जो एनिमल्स का वेस्ट है उसमें से अमोनिया गैस रिलीज होती है इन लार्ज क्वान्टिटीज, और गैस काफ़ी करोसिव होती है, तो जो भी आसपास में मेटल अलॉय जो होता है उसको ये करोड़ करने की क्षमता रखती है। इसके सोलर पैनल्स अमोनिया रेजिस्टेंट हैं, अच्छे से परफॉर्म करते हैं इस एनवायरमेंट में। सॉल्ट एंड मिस्ट रेजिस्टेंट भी हैं इसके सोलर पैनल्स, जहाँ पे लोग सी के पास रहते हैं, जहाँ पे वाटर बॉडीज हैं वहाँ पे एयर में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, सॉल्ट भी ज़्यादा होता है, तो जहाँ पे वाटर कंटेंट और सॉल्ट ज़्यादा होता है वो एयर ज़्यादा करोसिव होती है नॉर्मल एयर के मुकाबले। लेकिन इसके सोलर पैनल्स सॉल्ट एंड मिस्ट रेजिस्टेंट हैं, तो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो कि सी वाटर बॉडीज के पास रहते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये 630 वॉट का सोलर पैनल हमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करके देगा। अब स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस की बात नहीं करते, नॉर्मल कंडीशन में, प्रैक्टिकल कंडीशन में ये हमें 2.5 से 3 यूनिट रोज बना के दे सकता है, 2.5 to 3 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है जैसे कि आपके पास 4 पंखे हैं 100 वॉट के, तो उन्हें ये लगभग 6 से 7 घंटे रन कर सकता है पूरे दिन। तो दैट इज़ वेरी गुड कि आपको इतना बड़ा सोलर पैनल मिल गया 630 वॉट का, और ये आपको 4 पंखे 6 से 7 घंटे रन करके दे सकता है। तो अगर कंक्लूड करें, जिनको सोलर पैनल हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल्स हैं उन लोगों के लिए बढ़िया हैं जो कि लिमिटेड स्पेस में एक हाईली एफिशिएंट सोलर सॉल्यूशन चाहते हैं। और दूसरी चीज़, इसकी स्नो लोड रेटिंग काफ़ी अच्छी है, तो जो लोग ठंडी जगहों में रहते हैं जहाँ पे जो बर्फबारी है नॉर्मल है, तो उनके लिए ये सोलर पैनल्स बढ़िया हैं बिकॉज इट हैज़ गुड वैल्यू ऑफ स्नो लोड रेटिंग। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है, मिस्ट ज़्यादा है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अमोनिया रेजिस्टेंट है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है एन टाइप टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इसकी जो डिग्रेडेशन है काफ़ी कम है, लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन काफ़ी कम है। तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल जिनको सोलर पैनल 630 वॉट टाइगर न्यू सीरीज, जैसे हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल जो कि हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मेरी वेबसाइट भी है www.solarwithyash.com, उसको भी देखिए, उसमें सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको सोलर के बेसिक्स और एडवांस आर्टिकल्स देखने को पढ़ने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।